तो इसका डायग्राम होता है सम एयर नॉट बी, इसका डायग्राम होता है सम एयर नॉट बी, मतलब कुछ पोर्शन ए जो है वो मेरा बी नहीं है, सम पोर्शन सम एयर नॉट बी, यहाँ पर सम एयर नॉट बी, ये हमारा इसके साथ में नेगेटिव रिजल्ट है। अब देखिए इसमें कंक्लूजन क्या क्या सकते हैं, कंक्लूजन नंबर वन, पहला कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी, ये डिपेंडेंट है फेलियर करेक्ट। दूसरा अगर कंक्लूजन आ गया कि सम बी आर नॉट ए तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर तीसरा कंक्लूजन आ गया कि सम बी आर सम बी, अगर तीसरा कंक्लूजन आ गया यहाँ पे कि ऑल बी आर ए तो फिर ये गलत हो गया। अगर ऐसा आ गया कि इट इज पॉसिबल दैट ऑल ए आर बी, अगर ये आ गया तो ये मेरा गलत होगा क्योंकि सम एयर नॉट बी, कुछ पोर्शन ए और बी नहीं है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा करना यहाँ पे कि इट इज पॉसिबल दैट, अगर ऐसा करना कंफ्यूजन में इट इज पॉसिबल दैट ऑल बी आर ए ऑल बी आर ए तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बी का ए के साथ में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। और अगर ऐसा करना कंफ्यूजन में कि इट इज, अगर ऐसा पूछा गया क्वेश्चन इट इज पॉसिबल दैट सम बी आर ए तो सम बी आर ए पॉसिबिलिटी में काम करेगा, ये पॉसिबिलिटी में काम कर जाएगा। अगर ऐसा दिखा कंफ्यूजन में कि इट इज पॉसिबल दैट सम ए आर बी तो फिर ये काम करेगा, सम ए आर बी ये भी काम करेगा। और अगर ऐसा लिखा कंक्लूजन में कि इट इज पॉसिबल दैट सम बी आर नॉट ए, अगर ऐसा लिखा तो फिर भी यहाँ पे ये काम करेगा। तो अगर आपका स्टेटमेंट लिखा रहे, अगर आपका स्टेटमेंट ऐसा बता रहा है कि ऑल ए कैन नेवर बी बी तो ऑल ए कैन नेवर बी अगर ऐसा स्टेटमेंट बता रहा है तो आपका डायग्राम क्या होगा, सम एयर नॉट बी। तो सम अगर ए बी नहीं है, ए बी नहीं है लेकिन बी पूरा पूरा ए है, ए कुछ पोर्शन बी नहीं है लेकिन बी पूरा का पूरा ए है, तो इसमें कंक्लूजन क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताए यहाँ पे। तो आप इस कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि अगर इसका अगर ऐसा स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहे तो आपको कोई परेशानी सॉल्व करने में नहीं होगी, तो इसको ध्यान में रखकर आप देखिए तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो आज हमने आपको वीडियो में बताया, ये वीडियो में ओनली एफ एम के बारे में और नया नया टर्मिनोलॉजी जो क्या है हम उसके बारे में डिस्कस किया। अगर इसमें कुछ भी समझने में आपको दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कल हम आपके सामने में सिलॉस का ओनली जो अभी सबसे ज्यादा परेशान कर रहा स्टूडेंट को उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और नए नए क्वेश्चन है जो अभी घूम रहे हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, जिसमें की बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे और आपको उसको सॉल्व करके बताएंगे। और देन अगेन आप देखेंगे कुछ अगर कंफ्यूजन है तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो कल का जो टॉपिक होगा सिलॉस का, वो ओनली के बारे में, सिर्फ ओनली मतलब केवल ओनली एयर बी, केवल ए बी है उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या कंक्लूजन आ सकती है वो भी हम आपको तय करके तुम्हें बताइए। तब तक आप इसको देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि ओनली एफ एम के बारे में अभी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, सिर्फ हमने जो कंक्लूजन लिखा है बोर्ड पे उसको ध्यान से घर में देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।